तो हाउ टू इम्प्रूव मोमेंटम, आप लोग मुझसे पूछे रहते हैं ना कि कैसे मोमेंटम को सुधारा जाए, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं 3 टिप्स दूंगा ऐसी जिससे कि आप अपने मोमेंटम को सुधार सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज़ बताने वाला जिससे आपको पता चलेगा कि मोमेंटम इतना ज़रूरी क्यों है, और वो अगर अच्छा नहीं है तो आपकी पेस क्यों कम हो सकती है। और यही एक मेन रीज़न है कि लोग अच्छे खासे फिट होके भी पेस जनरेट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और जो लास्ट टिप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार रन अप इतना मोमेंटम इसलिए है कि आप ये वीडियो देखना, अगर आप लगातार भागते हुए आ रहे हैं और उसी रिदम से आप अगर निकल जाते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इन बॉलिंग, इन रन अप, इन मोमेंटम ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर भाग रहे हैं तो आपके मोमेंटम में हमेशा गियर चेंज हो और वो बढ़े, मतलब उनकी स्पीड बढ़े, वो कम ना हो। तो जो भी बॉलर्स हैं अगर वो तेज़ भागते हैं और लास्ट में आके धीरे होके फिर अपर बॉडी से दम लगाते हैं तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यू नीड टू रन लाइक यू नो लाइक अ बाइक और एरोप्लेन, जैसे बाइक में हम पहला गियर, दूसरा गियर और तीसरा गियर इस तरीके से गियर चेंज करते हैं, उसी तरीके से आपको बॉलिंग में भी करना है। अगर आप किसी एरोप्लेन को देखेंगे वो पहले स्लो स्टार्ट लेता है जब वो फ्लाइट के वक्त अपनी मैक्सिमम पेस में होता है, इसी तरीके से आप मेरी पहले की बॉलिंग देखेंगे, मैं स्टार्ट करता था तेज एंड देन बैंग ऑन, बस लास्ट तक तेज भागता हुआ निकल जाता था, विच आई फील कि मैंने गलत किया। लेकिन इन वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि मैं गलती करता हुआ देख जाऊंगा आपको। जो आगे मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ उन टिप्स को यूज करके मैंने अमेजिंग पेस गेन करी और मेरा मोमेंटम में एक अमेजिंग चेंज आया। तो आपको मैं सबसे पहली टिप बताता हूँ विच इज हिट द ग्राउंड। अगर आप लास्ट फेज में जाके सपोज करो आपने रनअप शुरू किया और आप अपने रनअप के मिड पाथ को क्रॉस कर चुके हैं, तो जैसे ही आप फाइनल फेज में आने वाले होंगे तो मेक श्योर कि आप ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाएं, जिससे कि ग्राउंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होती हैं वो आपको वापस पुश करें और आप आगे की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ट्रांसफर कर पाएंगे और वो फोर्सेस आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आपके फाइनल फेज में मदद करेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप भागे फाइनल फेज में तो आप उसको ग्राउंड को हिट ज़्यादा तेज़ करें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बुमराह। आप बुमराह की बॉलिंग को एनालाइज करेंगे तो आप ये चीज़ देख पाएंगे एक्चुअली में कि वो लास्ट फेज में यही करते हैं। नेक्स्ट टिप इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ। अगर आप ग्राउंड को हिट करेंगे तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है कि वो अपनी बॉडी टाइट करके और ग्राउंड को हिट करें, आपको ऐसा नहीं करना है। तो सेकेंड टिप यही है कि आपको अपनी अपर बॉडी, अपने जॉज को, अपने जो जॉज होते हैं इनको रिलैक्स रखना है। जितने ज़्यादा आपका फेस रिलैक्स होगा किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त, अगर आपका फेस रिलैक्स्ड है इट मींस दैट कि आप उसी जगह से फोर्स लगा रहे हैं जहाँ से लगनी चाहिए। तो आपका फाइनल फेज में आना है और अपर बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी, कहीं से भी टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जो थर्ड टिप का वेट कर रहे हैं मैं आपको उनको बता दूँ। दिस इज़ द टिप व्हिच आई पर्सनली यूज्ड, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है और इससे मेरी पेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपको मैं बताता हूँ वो थर्ड टिप क्या है। यार आप लोगों ने लावा का नाम तो सुना ही होगा जो वॉल्केनोज में से निकलता है। अगर मैं उस लावा को आपके फाइनल फेज में डाल दूँ और उसके ऊपर से ही निकलना है तो आप क्या करेंगे? आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि उस लावा से आप तेज जल्दी से जल्दी निकल जाएं, नहीं तो आपके पैर जल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप बिंदास भागते हुए आएँ ईजी और अच्छे फॉर्म में, ठीक है। और मेक श्योर जब भी आप लास्ट फेज में आएँ तो आप फील करें कि आपको अब लावा से होके गुजरना है, तो ऑब्वियसली आपको हिट करते हुए इतना तेज़ निकलना है फाइनल फेज में कि आप जब अपने बैकफुट लैंडिंग पे पहुँचे आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल हो बॉल डालने के लिए। बॉलिंग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फाइनल फेज, जिसको इम्पल्स फेज भी बोलते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो उसको सुधारें, ठीक है। रन अप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन उसका मोमेंटम उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगी। तो मेक श्योर कि अगर आपने रनअप कैसे इंप्रूव करते हैं ये नहीं देखा है तो उसके पिछले वाले वीडियो में आप ज़रूर देखें, और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।